मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आचार संहिता में भी लाडली बहनों को पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा उनकी सरकार विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कर्ज लेना कोई गलत नहीं है, सरकार अगर कर्ज लेती है तो विकास में कर्ज का पैसा लगाती है। सभी राज्यों की सरकार कर्ज लेती है, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज पूरे नियम अनुसार लेती है और नियम अनुसार चुकाती भी है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता में भी लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों से कांग्रेस का सफाया होने वाला है। विपक्ष के पास कोई बोलने के लिए कोई मुझे लगता कोई मुद्दा है भी नहीं, और इस बात को अनेक बार हम विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार कर्जा लेती है, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में जितनी भी प्रदेश हैं सब में कर्जा लेते हैं, इनकी भी सरकारें रही कर्जा लिया। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, या जो भी कर्जा हमने लिया होगा तो कर्जा समय पे चुकाया, उसके नियम है, प्रक्रिया है उसकी, भारत सरकार से उसकी परमिशन लेना पड़ती है, FRBM का नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा समय पर चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार करती है, तालाब बनाती है, स्टॉप डैम बनाती है, सिंचाई योजनाएं, सड़क, कॉलेज, विद्यालय, ये सब डेवलपमेंट के काम करने के लिए सरकार कर्जा ले रही है, सरकार कर्जा समय पे चुका रही है। अब ये बार बार कांग्रेस के पास मुझे लगता है कोई विषय है ही नहीं। अभी विधान लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरी तैयारी में है, उनको पता है कि जमीन खिसक रही है पूरे हिंदुस्तान से। प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूरी ताकत से लगे हैं, इसलिए वो विचलित हो रहे हैं और उनके ही अपने साथी अनेक जो वरिष्ठ लोग हैं उनके, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय उनका विचलित होना स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।